उत्तराखंड भारत के शीर्ष पर स्थित एक ऐसा प्रदेश है जो विश्व को प्रकृति का एक अनूठा उपहार है। यहीं से भारत की दो प्रमुख नदियां गंगा तथा यमुना निकलती हैं। इसी प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में टोंस के रूप में यमुना नदी का उद्गम होता है। यह नदी भारत के बहुत बड़े भूभाग की प्यास बुझाती है। यहीं पर स्थित है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क, जो वन्य जीवों और पेड़ पौधों की अनोखी संपदा के लिए विख्यात है। इसे 1955 में महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में स्थापित किया गया। उत्तरकाशी जिले के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य रूपिन तथा सुपिन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, जहां स्वर्ग रोहिणी, ब्लैक पीक तथा बंदर पूंछ जैसी हिमाच्छादित चोटियां स्पष्ट देखी जा सकती हैं। टोंस नदी बंदर पूंछ पर्वत की तलहटी के पास से निकलती है। हाँ, इस नाम का आशय बंदर की पूंछ से ही है। ऐसा माना जाता है कि राम के सखा पवन पुत्र हनुमान इस पर्वतीय क्षेत्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाने के लिए आए थे, जो राम और रावण के युद्ध के दौरान ज्वलंत हो गई थी। प्रकृति के इसी अनूठे और जादुई उच्च हिमालयी क्षेत्र में मानव की दृष्टि से परे रहता है एक शर्मीला बिल्ला, जिसे हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। अपने मटमैले शरीर की वजह से स्नो लेपर्ड इस बर्फीले क्षेत्र में आराम से छुपा रह सकता है। सीधी खड़ी और दुर्गम चट्टानों पर चपलता से भागने वाली नीली भेड़ भड़ल को भी हम इस क्षेत्र में चढ़ते हुए देख सकते हैं। यहीं रोडेंट प्रजाति का बिना पूंछ वाला चूहा पाइका भी मिलता है, और ऐसे कई वन्य जीव मिलकर इस जादुई परिदृश्य की रचना करते हैं। पक्षियों में उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल यहां विचरण करता हुआ देखा जा सकता है। हिमालयन ग्रिफन, जो कि उड़ने वाले सबसे बड़े मांसाहारियों में से एक है, इन पर्वत क्षेत्रों की थर्मल हवाओं की मदद से ऊंची उड़ान भरते हुए अपने शिकार पर नजर रखता है। चूकर, जो गैलेफॉर्म यानी उड़ान न भर सकने वाला तीतर होता है, यहीं का मूल निवासी है। यहाँ तितलियों की 70 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इनमें कॉमन मॉर्मोन, बड़ी कैबेज व्हाइट, कॉमन पीकॉक तथा हिमालयन ब्लैक वेन मुख्य हैं। पिघलती बर्फ की छोटी छोटी जलधाराएं मछलियों का वास स्थान हैं। यहाँ के परिदृश्य में जड़ी बूटियों की अपार संपदा है। इनमें अतीस, अर्चा तथा अन्य हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के काम में आती हैं। यहाँ के वन क्षेत्रों में पाइन और देवदार जैसे वृक्ष प्रचुर मात्रा में हैं। यहाँ की मूल प्रजातियों में भुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन तथा जंगल की माँ हिमालयन ओक यानी बांज का वृक्ष भी है। इस परिदृश्य के जंगल सदैव हरे रहते हैं और वन्य जीवों को संरक्षित रखते हैं। इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ताल जैसे जुड़ा का तालाब, रुई सारा ताल और अन्य हैं। उच्च पर्वतों के घास के चारागाह मैदान जैसे कि हिमालय का पन्ना, हर की दून, केदार कांठा, चैनशील और देवप्यारा इस सुंदर क्षेत्र को और भी आकर्षक बना देते हैं। ट्रेकिंग के लिए ये स्थल दूर दूर से सैलानियों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र सर्दियों में ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ रहने वाले समाज राजा कर्ण, सोमेश्वर देवता तथा महासु देवता में गहरी आस्था रखते हैं। यहाँ के देवता गण प्रायः चलायमान होते हैं और पौराणिक रास्तों से चलते हुए देव डोलियों के माध्यम से अपनी प्रजा के दुख दर्द बांटते हैं। ये देवगण न्याय देते हैं, निरोग करते हैं तथा सभी को आशीर्वाद एवं संरक्षण प्रदान करते हैं। इन्हीं देवताओं को त्योहारों और उत्सवों में पूजा जाता है। यहाँ रहने वाले समुदाय आपस में इन द्वारा जैसे खेल भी खेलते हैं, जो यहाँ की मिट्टी से इनके जुड़ाव को और प्रबल करते हैं। उत्तराखंड वन विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साझा प्रयासों से तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF के सहयोग से
सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के वास क्षेत्र को संरक्षित करना है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इको टूरिज्म को विकसित कर जंगलों पर बढ़ती मानव आबादी के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप इस प्राकृतिक क्षेत्र में एक पर्यटक की तरह आए हैं तो कृपया प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जैसा साफ सुथरा इस क्षेत्र को पाया उसे वैसा ही रखने में हमारी मदद करें। आइए इस पवित्र क्षेत्र को किसी भी तरह के मानवीय दुष्प्रभाव से बचाएं। प्रकृति के इस अनोखे संसार को संरक्षित करने में हम आपके सहयोग की कामना करते हैं।